कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान श्री श्री तीर्थेश श्री महाराज साहब, विदुषी महासत्य वृंद, उपस्थित भव्य आत्माओ, प्रभु महावीर के शासन स्थापना के शासन व्यवस्था का चक्र प्रारंभ होने के पलों में हम चल रहे हैं। क्यों ड्रेस कोड जरूरी है उसकी बात कल आपके पास आई, क्योंकि परमात्मा ने ड्रेस कोड दिया। जो भगवान पार्श्वनाथ ने नहीं दिया था, अजितनाथ से लेकर तो भगवान पार्श्वनाथ का धर्म संघ ड्रेस कोड फ्री था। परमात्मा ने ड्रेस कोड दिया, श्रावक को भी दिया, श्रविकाओं को भी दिया, साधुओं को भी दिया, साध्वियों को भी दिया। साधु और साध्वी का ड्रेस कोड दो प्रकार का दिया, एक केवल साधुओं के लिए, एक जो तीर्थंकर के समान, तीर्थंकर का ही ड्रेस कोड जिसको जिनकल्प कहते हैं, जो दिगंबर के रूप में भी जी सकते हैं, और एक जो वस्त्र धारण करना चाहते हैं। ये कल्प है, दोनों ही क्या है, मर्यादा है। कौन सी मर्यादा स्वीकार करनी, वो सामर्थ्य का विषय है। ये मर्यादा श्रेष्ठ है, वो मर्यादा कनिष्ठ है, नथिंग। जिस रास्ते से तुम मंजिल पर पहुंच सकते हो वो रास्ता तुम्हारे लिए सही है। रास्ता अच्छा बुरा नहीं होता है, चलने वाले ने अपने सामर्थ्य के अनुसार रास्ता चुनना होता है, और अपने सामर्थ्य के अनुसार रास्ता चुनने के लिए दोनों ही कल्प दिए। और जब ड्रेस कोड की बात पूरी हुई तो परमात्मा ने साधना का कोड भी चेंज कर दिया, साधना का प्रोटोकॉल भी चेंज कर दिया। भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ में जो धर्म संघ चल रहा था, क्यों नहीं वो लोग तीर्थंकर परमात्मा के संघ में शामिल क्यों नहीं हो पाए? जबकि भगवान पार्श्वनाथ घोषणा करके गए थे, जानकारी देकर गए थे कि मेरे बाद वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर होंगे। सबको स्वीकार था कि ये तीर्थंकर है, और तीर्थंकर का अस्तित्व विद्यमान होने के बावजूद यदि भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ के साधु साध्वी वैशाख शुक्ला 11 को प्रभु महावीर के धर्म संघ में, या वैशाख शुक्ला 12 को भगवान महावीर के धर्म संघ में शामिल नहीं हुए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्यों शामिल नहीं हुए जब तीर्थंकर परमात्मा स्वीकार है? भगवान महावीर तीर्थंकर है, उनको मंजूर है कि भगवान पार्श्वनाथ फरमा के गए हैं, उसको चैलेंज देने का कोई रीजन नहीं है। और भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ में अवधि ज्ञानी है, मनप्रिय ज्ञानी है, श्रुत केवली है, केवल ज्ञानी है, उसके बावजूद उन्होंने भगवान महावीर के धर्म संघ को तुरंत क्यों नहीं स्वीकार किया? क्यों केशी श्रमण और इंद्रभूति गौतम को सम्मेलन करना पड़ा? और केशी श्रमण और इंद्रभूति गौतम के सम्मेलन के बावजूद भी
वे सारे भगवान पार्श्वनाथ के श्रमण साधु भगवान महावीर के धर्म संघ में आ गए ऐसा नहीं है। केशी श्रमण ने भगवान महावीर के धर्म संघ में समर्पण करने के बाद भी ऐसे बहुत सारे श्रमण बचे थे कि जो संघ में शामिल नहीं हो रहे थे। क्या कारण है? और उसके दो कारण बहुत महत्वपूर्ण है और तीसरा कारण बहुत छोटा सा है। पहला कारण था कि भगवान पार्श्वनाथ ने ड्रेस कोड नहीं दिया और भगवान महावीर ने ड्रेस कोड दे दिया और आम पब्लिक बाहर के रूप को देख करके तय करती है इनके साथ जुड़ना कि नहीं जुड़ना है। ये आज की भी अपनी यही मेंटेलिटी है। सभी जैनी जानते हैं कि किसी भी परंपरा में जाओगे तो भगवान महावीर की वाणी इक्वल है, भगवान महावीर के तत्व इक्वल है, भगवान महावीर की प्ररूपना इक्वल है, लेकिन फिर भी किसी एक ठिकाने पर सब नहीं जोड़ते हैं। क्यों? कि फैमिलियर नहीं, परंपरा नहीं। परंपरा का दबाव, परंपरा का आग्रह, परंपरा की पकड़, परंपरा की बेड़ियां कितनी मजबूत होती है कि वो तीर्थंकर परमात्मा महावीर के साथ जुड़ने से भी रोक रहे हैं। और उसमें पहली परंपरा कौन सी ब्रेक हुई? तो ड्रेस कोड, और बहुत बड़ी उलझन थी कि यदि तुम भगवान पार्श्वनाथ भी सर्वज्ञ है, भगवान महावीर भी सर्वज्ञ है, तो जो भगवान पार्श्वनाथ ने नहीं किया वो भगवान महावीर क्यों कर रहे हैं? ये सवाल मेरे लिए भी आता है कि जो तुम्हारे पूर्वाचार्यों ने नहीं किया तुम क्यों कर रहे हो? आता है, वो नवकार कलश का हो कि गौतम निधि का हो कि उत्तराध्ययन का हो कि आरंभ मिजा के किसी भी कार्यक्रम को लेकर के हो, अभी लोग मेरे पास नहीं बोलते हैं, बाहर बोलते हैं। ये सवाल तो आता ही है ना कि भगवान पार्श्वनाथ ने जो नहीं किया, भगवान अरिष्टनेमी ने जो नहीं किया, भगवान महावीर क्यों कर रहे हैं? अरे ह्यूमन का नेचर है कमेंट, ऑब्जेक्शन और क्वेश्चन अराइज करने का, ह्यूमन का नेचर है। जहां उसकी समझ में नहीं आएगा वहां ऑब्जेक्शन लेगा, जहां उसको जचेगा नहीं वहां कमेंट करेगा। और प्राय वे लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं जिनको इन्वॉल्व नहीं होना होता है। जिनको इन्वॉल्व होना होता है वो ऑब्जेक्शन, वो कमेंट, वो कमेंटमेंट करते हैं, वो सरेंडर करते हैं। और जिनको सरेंडर नहीं करना होता है, जिनको इन्वॉल्व नहीं होना होता है, वो कमेंट करते हैं, वो ऑब्जेक्शन लेते हैं। और ऑब्जेक्शन का दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि भगवान महावीर ने जब साधना देनी शुरू करी तो 5 महाव्रत दिए। कितने महाव्रत दिए? और फिर शौक लगा कि आज तक तो 4 की बात थी, 5 की बात, पहले ड्रेस कोड फिर सिद्धांत, साधना का मार्ग डिफरेंट कर दिया। यदि 5 महाव्रत की बात होती और 5 महाव्रत जरूरी होते तो भगवान पार्श्वनाथ ने क्यों नहीं दिए? क्या भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान नहीं था? क्या भगवान महावीर का केवल ज्ञान कोई जुदा हो गया? जब षड्द्रव्य वही है, जब 9 तत्व वही है, षड्द्रव्य में कोई अंतर नहीं किया भगवान महावीर ने, 9 तत्वों में कोई अंतर नहीं किया, पंचास्तिकाय में कोई अंतर नहीं किया, 3 लोक की प्ररूपणा में कोई अंतर नहीं किया, फिलॉसफी इक्वल रखी, फिलॉसफी में कोई अंतर नहीं किया, अंतर कहां किया? 5 महाव्रत। फिर
फिर शौक लगा और पांच महाव्रत देने वाले को स्वीकार करना, इसका मतलब अपने गुरु को इनकार करना, दिक्कत क्या जाती है? भगवान पार्श्वनाथ को इनकार करना कि भगवान पार्श्वनाथ गलत थे। यदि नए करेक्शन को स्वीकार करना है तो इसका मतलब पुरानी बात गलत थी, सामान्य सोचिए। लेकिन जरूरी नहीं होता है कि हमेशा पुरानी बात गलत होती है इसलिए नई बात स्वीकार करनी होती, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सामान्य सोच यही रहता है कि नई बात को स्वीकार करना इसका मतलब पुरानी बात को गलत कहना है। बेटे को स्वीकार करना इसका मतलब बाप को गलत कहना होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, नए मकान में जाना इसका मतलब पुराने मकान को गालियां देनी जरूरी होती है? वहां तो ये नहीं सोचते। फोर टू का मोबाइल चला गया, 4G का आएगा, 4.5 का आएगा, वहां नहीं कहते कि पहला गलत था ना, अभी इसको कैसे नहीं। मनुष्य का सोच देखिए, पाप के साधन जितने नए आते हैं उनको विदाउट क्वेश्चन स्वीकार कर लेता है। किसके? पाप के। और धर्म का कोई नया साधन आ जाए तो क्वेश्चन मार्क उपस्थित करता है। पाप के सारे साधन न्यू से न्यू चाहिए, अपडेट चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। अधर्म के साधन बिल्कुल नहीं, जो मेरे परदादा करते थे वैसे ही चाहिए। जब पाप कल गर्भ संस्कार का सर्टिफिकेशन कोर्स था, उसमें एक टीचर ने सवाल पूछा कि हमारे दादी माँ ने कब गर्भ संस्कार की साधना करी थी, और पहले भी जिन्होंने जिनके बेटे दिग्गज हुए हैं उनकी माताओं ने कोई गर्भ संस्कार की साधना करी थी क्या, फिर आज क्यों कराते हो? मैंने उस बहन से पूछा, आज से 2 साल पहले तुम मास्क लगाते थे क्या? है? 2 साल पहले कोई मास्क लगाने की बात कहता तो मानते क्या? मास्क आप क्यों लगा रहे हो? आप क्यों लगा रहे हो? मैं भी लगा रहा हूं। आज से 1 साल पहले कोई वैक्सीन के लिए लाइन में खड़ा रहता था क्या? आप क्यों वैक्सीन की लाइन में खड़े रहते हो? क्यों लगा रहे हो? मत लगाओ, कल नहीं लगाए आज मत लगाओ ना। क्यों लगा रहे हैं? कि पहले कोरोना COVID-19 का वायरस नहीं था, अब वो वायरस आ गया। मैंने उस बहन से पूछा, ऐसे ही बात कर रहा था, वैसे ही आपसे कर रहा हूं, कि पहले वायरस नहीं थे, आप कितने वायरस आ गए? टीवी का वायरस आ गया, मोबाइल का वायरस आ गया, फास्ट फूड का वायरस आ गया, पोर्नोग्राफी का वायरस आ गया, होटल का वायरस आ गया, फैशन का वायरस आ गया, और इतने वायरस के रहते हुए तुम मास्क नहीं लगाओगे और तुम कहोगे मेरी दादी माँ ने वैक्सीन नहीं लगाई तो मैं क्यों लगाऊं? क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे दादा ने नहीं किया, मैं नहीं करता हूं। और फिर अगला सवाल मैंने उनको कहा, तुम्हारी दादी माँ कभी ड्रेस पहन करके बैठी थी? किसकी किसकी दादी माँ ड्रेस पहन करके बैठी थी? हाथ ऊपर करो, फिर तुम ड्रेस पहन करके बैठी हो। है?
मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, जो मुझे जच जाए वो स्वीकार है और जो मुझे नहीं जचे वो डस्टबिन बॉक्स में। पन्ना समीक्षय धम्मम, ना परंपरा से धर्म की समीक्षा होती है, ना तर्क से होती है, ना रिक्वायरमेंट से होती है, धर्म की चर्चा तो प्रज्ञा से होती है। क्यों पांच महाव्रत दिए, क्यों पुराने तीर्थंकरों के चाह मारवाती है, ये सवाल जैसे ही सामने आया प्रभु ने फरमाया, वे चार महाव्रत को समझ सकते थे, तुम पांच महाव्रत को भी समझ लो तो बहुत है। उनको चार शब्द में साधना समझ में आ जाती थी, तुम्हें पांच शब्दों में भी समझ में आ जाए तो बहुत है। क्यों? कि वे सरल थे, उनकी प्रज्ञा भी निर्मल थी। अभी तो प्रज्ञा भी टेढ़ी है और हम भी जड़ हैं, हम भी जड़ हैं और प्रज्ञा भी टेढ़ी है। अब टेढ़े लोगों को रास्ते पर लाना हो तो जिस रास्ते से सरल लोग चलते वो रास्ता काम में आएगा? नहीं। आपसे पूछ लो एक बार, जिनका दिमाग टेढ़ा मेढ़ा है, जिनका सोच टेढ़ा मेढ़ा है, बच्चे को जिस तरीके से समझा सकते हैं वैसे उसके दादाजी को समझा सकते हो? जिस बात में बच्चा समझ जाता है, पोता समझ जाता है, उस बात में दादा समझ जाएंगे? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।